background. We are in the 14th chapter, Gunatraya Vibhaga Yoga. 13th chapter finishing. So, पहले दो श्लोक हो गए थे. परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वान पुनः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता. ये झालम आख्या रहते चौमे डिटेल में नहीं, इसके विषय में बात करते हैं. लेकिन ये तीसरी बार भगवान कहते हैं गीता में, और फिर एक बार 18वें अध्याय में कहेंगे. समझाना तेरे को ठीक. आखिरी में कहते हैं खतपोथी बंद करने से पहले ध्यान दे के सुना ना, ऐसा सुनते है. कहते हैं बराबर सुना, डिड यू एक्टिवली लिसन, समझ में आ गया क्या? फिर वो कहता हाँ प्रभु, नष्ट वो मोह स्मृति लब्धवा. डिड यू पे अटेंशन? तो यहाँ पर फिर से ये तीसरी बार कहते कि फिर से बताता परम भूय प्रवक्ष्यामि. क्यों कहते ये ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ये बड़े उच्च कोटि का ज्ञान है. भगवान कहते हैं अपने प्यारे प्रिय मित्र सखा भक्त शिष्य जिसने कह दिया उसको, जो गुरु को क्यों देव क्यों कहते हैं गुरुदेव, क्योंकि वो देने वाले होते हैं. देव गुरुदेव देने वाले होते हैं, वो सबसे बढ़िया माल देने वाले होते हैं. जो गुरु होते हैं, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे. कैसी बढ़िया बात है, फिर से सुनना. गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले. क्यों? क्योंकि वो खाली दे. और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे. शीश झुकाए फिर मिटे फिर मिले. तो यहाँ पे गुरु कह दिया उसने प्रारंभ में अर्जुन ने, इसलिए सबसे उत्तम बढ़िया में बढ़िया फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास माल भगवान ने सामने रखा. आज तक नहीं कही थी गीता किसी के सामने, इस समय तक हमारे जीवन में भी आज तक नहीं आई थी इतनी ऐसे प्रकार से, इतनी प्रगाढ़, इतनी गहन गहनता से, गहराई से. क्यों बढ़िया में बढ़िया? यद ज्ञातवा न मुनय सर्वे पराम सिद्धिम, इससे पूरा काम हो जाएगा. भगवान कहते हैं जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, मराठी में पहले कहा था, वो तो ट्रियाज हो गया है, खून बहना खत्म हो गया है, खाना पीना होके थोड़ा रिक्स ताकत भी आ गई, और परमानेंट फिर से कभी होगा ही नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, पैर नहीं फिसलेगा, बस ये इलाज चल रहा है थर्ड सेक्शन ऑफ द गीता में. फिर से ये होगा ही नहीं, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, और पत्थर बन के बैठ जाएंगे, नहीं मजे में जिएंगे, ऐसा होगा आनंद, ब्रह्म आनंद, अतीन्द्रियम परमानंदम, गीता के शब्द है. इंद्रियों से क्या आनंद लेगा, ये गीता में आग पहले आता है. कितना देख देख के कितना मजा आएगा, सब देख लिया, कितना खप सब खा खा के, सुन सुन के, कह कह के, घूम घूम के, फिर के, क्या मजा आएगा. ये तो इंद्रिय ग्रहण लिमिटेड है, नाक से इतना ही, थोड़ा सा थोड़ी सी रेंज, उतना ही सूंघ सकते हैं, आंखों से थोड़ी सी रेंज, इतनी कलर देख सकते हैं, कानों की थोड़ी सी रेंज है, बस उतने ही ऑक्टेव में सुन सकते हैं. उससे क्या, वो अतीन्द्रिय, उसके वो तो अनफाइनाइट से जितना आएगा ऐसा परमानेंट हो जाएगा. इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता. क्यों, ऐसा कैसे होगा? भगवान कहते हैं कि ये मेरा ज्ञान है, तेरे को मिल जाएगा तो मेरा अनुभव तेरा अनुभव हो जाएगा. जितना मैं पूर्ण अनुभव करता हूँ, जितना मैं पूर्ण आनंद लेता हूँ, परमानंदम माधवम, कृष्ण को कहते हैं श्लोक, ऐसा तेरे को अनुभव हो जाएगा. सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न गच्छन्ति च. फिर
हानि नहीं, बड़े में बड़े दुख में दुख का अनुभव नहीं। ये हो चुके थे पहले दो श्लोक, तो आज तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उसे योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। बड़े रहस्य की बात भगवान कहते हैं, जिसके लिए भजन हम सुनते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इतनी सहजता से कहते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इधर भगवान ने कही ये बात, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम्। मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। कैसे? गर्भाशय जो है, योनि संस्कृत में मतलब बर्थ कैनाल, यहाँ पर बच्चे का पहला कंसेप्शन होता है, जन्म होता है, गर्भ गर्भाशय, वो मैं मेरी ही है कहते है। ब्रह्म जिसे कहते हैं, आज तक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म लीन, ब्रह्म ब्रह्म कहते थे, वो तो वो पूर्ण नहीं है। कोई स्त्री, कोई माता, उसको गर्भाशय, वो पूरी मानी है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वहीं से प्रजन सृष्टि की निर्मिति होगी, निर्माण होगा, लेकिन उसको माँ को और बहुत कुछ है। यहाँ पर कहते हैं, ऐसे शास्त्रों में आता है, उद्धव गीता में भी आता है, मम योनिर महत ब्रह्म, महत जिसे कहते हैं ब्रह्म जो है, दैट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, तस्मिन उसमें, इन इट गर्भम ददामि अहम्। ददामि मैं देता हूं, I inseminated, ये सारी सृष्टि जो है, निर्मिति जो है, एक खाक पत्थर पड़े होते थे, ये पुरुष सुक्त नाम का एक संग्रह आता है श्लोकों का वेदों में, उसमें आता है, विस्तार से आता है, ये सब बनाया, सृष्टि बनी, लेकिन सब पड़े थे, उठता नहीं था वहां जो, क्योंकि उसमें जीवन नहीं था, चेतना चैतन्य नहीं थी। उसके बाद जो आया, एको हम बहुश्याम, फिर भगवान को ही उनमें प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि चेतना तो एक ही के पास है, चैतन्य शक्ति जो है, वो तो जो चैतन्य, उसी के पास चेतना है। अगर सूर्य नहीं होता तो ये सब काला पड़ा होता था, क्या हरा, क्या पीला, क्या नीला, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझता नहीं था। अगर शुरू से सूर्य ही नहीं था, जैसे स्पेस में, अंतरिक्ष में हजारों लाखों करोड़ों ग्रह पत्थर पड़े हैं, असंख्य पत्थर पड़े, पता ही नहीं है, ठंडे हैं, काले पत्थर पड़े, उनके लिए उनका सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, उष्णता नहीं है, ऐसे ये पृथ्वी का हो जाता था, पड़ा रहता था, ये पत्थर भी बड़ा सा गोल पत्थर, हम सब होते नहीं होते, जो भी कुछ मतलब नहीं था। जैसे प्रकाश पड़ने लग गया तो दिखाई देने लग गया, उष्णता मिल गई, प्रकाश मिल गया, दिखाई दिया, उष्णता मिल गई, जीवन उत्फुट उद्भृत हो गया। ऐसे ही जय वो माता के पास गर्भाशय में है, गर्भ है, लेकिन जब पिता उसमें गर्भ स्थापन करे तो फिर चैतन्य निर्माण हो उसमें। पिता दोनों में हूं, तो उसमें मराठी में विठाई, ये गा विठा पाई माझे पंडरी चे आई, आई कहते हैं विठोबा को, मेरी माँ है कृष्ण। जनाबाई के कितने सुंदर, जनाबाई चे भजन कितनी सुरेख है,
वो नामदेव के बाबा नामदेव, उनके घर में किसी ने छोटी बच्ची को छोड़ के चले गए जनाब। उसका नाम बाद में उन्होंने जनाब भाई रखा। जन मतलब लोगों, किसके पता, लोगों की किसी की, जनाब भाई। उन्होंने उसके न माता न पिता, नामदेव को अपना बड़ा भाई माना। और नामदेव के माता पिता ने उसको पलाया पढ़ाया। और उसके कैसे कैसे अनुभव उसके अभंगों में आते, अगर सुने ना जना भाई के भजन तो आंखों से पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पंढरपुर में उसका स्थान है, हम जाके आए वहां पर पंढरपुर में, भीमा नदी, इंद्रायणी नदी के उसके दूसरे तीर पर, खोल जमीन में जाकर के उसके वहां पर जो साधना करती थी जना भाई, उधर उसके एक अभंग में लिखा है कि कैसे मैं नहाने बैठती हूँ, मेरे आँख से पानी आता है। 7 साल की जना भाई की अपनी याद बता रही थी कि देख मेरे को कोई नहलाने वाला नहीं है, तो कैसे अचानक कहाँ से आ गई मेरी माँ, प्रेम से सिर से हाथ घुमाने लग गई, नहला दिया। आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसे स्पर्श का रोमांचित पूर्ण रूप से प्रेम गदगद हो गया शरीर मेरा, इतना प्रेम से नहला रही है, बहुत संजो सवार के मेरे बाल धो दिए और बाल कंघाई सब सब कर भी दिए, देख मेरे कितनी वेणी लगा दी, सब टिप टाप बना दिया। और कहाँ चली गई पता नहीं कौन थी, मुड़ के देखा तो वो मेरी मिठाई थी। ऐसे अलग अलग अनुभव लिखे उसने। तो माँ भी है बिट्टू, कन्हैया, कृष्ण भगवान, पिता तो है ही। यहाँ पर वो खुद भी कहता है, मम योनिर महत ब्रह्मा। महत जो है शब्द, बड़े में बड़ा, ब्रह्म इज द बिगेस्ट। महत जो ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पांच तत्व जो है, इनका समूह जो है वो जहां से आता है, पंच महाभूत प्रकृति जो है, अर्थात जिन सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, गैस, हीट, स्पेस, पांच तत्व जो है, जो भी बना है ये पांचों से बना है ना, प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल। देर इज समथिंग सॉलिड, देर इज समथिंग लिक्विड, देर इज समथिंग गैशियस, एंड दे हैव हीट एनर्जी। और कोल्ड हो तो वही हीट एनर्जी ही है। कोल्ड मतलब हीट एनर्जी कम है बस, कोल्ड नाम की कोई अलग एनर्जी नहीं है, डार्क नाम का कोई अलग से, ये तो वो डार्क है, और दूसरा काला प्रकाश नहीं है। डार्क है मतलब प्रकाश कम है, कोल्ड है मतलब हीट कम है। रेफ्रिजरेशन कैसे करते, हीट को निकाल लेते हैं उसमें से, कोई अलग से ठंडा नहीं डालते उसमें, ठंडा नाम का ऐसा कुछ नहीं होता, अलग वस्तु, हीट को निकालते तो ठंडा होता है। एसी जब चलाते तो क्या होता है, घर की हीट निकालता है हीट पंप, जितनी जितनी मात्रा में वो कॉयल में घूम के हीट निकाले उतना उतना ठंडा होता जाए अपने आप। तो हीट ही है एनर्जी, खाली शक्ति जो है वो एनर्जाइज करने वाली। और स्पेस, वायु और स्पेस, वायु में स्पंदन करने की शक्ति, और आकाश जगह, ये पांच का समूह जो है जहां से निकलता स्रोत, उसको महत कहते हैं। महत उसको भगवान का, ये मेरी योनि है, ये गर्भाशय का स्थान है, मैं उधर जाके गर्भ को स्थापन करता हूँ। दैट इज वेर आई इनसेमिनेट द क्रिएशन, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स टू फ्लो। उनमें फिर जान आ जाती, तब कहाँ जाके हवा बहने लगती है, उसमें ताकत आ गई, शक्ति आ गई। बाप ने उसको ताकत दे दी तब, पिता ने उसको धक्का दे दिया तब, तब पानी में बहने की शक्ति आती है, तब वायु घूमने लग जाए, तब सॉलिड जो पक्का हो जाए, अडिग हो जाए, तब उष्णता को गर्म करने की कोई, तब जगह फ्री हो जाए, चीज जितनी जितना फैला उतनी जगह फैलती जाए, नहीं तो बस वो एक जगह पे है। इसलिए मैं ये विचार करने योग्य, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना। अब ये थर्ड फेज है गीता का,
इसके बाद कभी फिसलना नहीं ना जीवन में, तो फिर सूक्ष्मता से। अभी तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, भगवान ने मलहम पट्टी करा दी पहले 6 अध्याय में, और फिर भगवान ने ट्रीटमेंट भी करा दिया। अभी वो जख्म वखम सब वो बैंडेड भी निकल गया 12वें अध्याय तक, 7वें से 12वें में। लेकिन अब भगवान कह रहे तेरे को अभी फिर से अगर गिरना नहीं हो मुंह पे, तो ये भी समझ ले, ये गार्ड रेल्स समझ ले। तो इसलिए तस्मिन गर्भम ददामि हम, तो माँ भगवान को अपनी माँ माने, भगवान को अपना पिता माने, अथवा तो अपनी माता में भगवान को देखे, पिता में भगवान को देखे। तात्पर्य है कि भगवान को ही देखे। येन केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेशयेत। परीक्षित राजा ने पूछा 7 दिन में मरना मर रहा हूं, तब क्या करूं मैं? अब ये तो बड़ी मुश्किल आ गई, छुट्टी कैसे करे 7 दिन में मरे तो? ये तो इतना सब राजा सब बोले साधु, पता नहीं सब सब साधु संत गुरु सब गुरुओं को तो एक ही बता सके सुख मुनि। इतना फास्ट तो हमारे पास कुछ नहीं है। सुख मुनि सौभाग्य से मिले तो बोला 7 दिन में मरने वाले क्या करे? तो येन केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेशयत। जो करना पड़े कुछ न कुछ करके जुगाड़ जमा के, ऐसा वह तैसा थोड़ा थोड़ा ठिगड़ लाऊं पकड़ के मन को कृष्ण में लगा दे, तो तेरा हो जाएगा काम 7 दिन में भी। तो बोले वो कैसे हो वो भी बता दो प्रभु। जाने से पहले जा रहे थे गंगा तट से अपनी यात्रा में सुख मुनि, इधर आने के लिए रुकने के लिए नहीं आए थे। तो ये तो कृपा कर दी कृष्ण में मन कैसे लगे। कृष्ण तो मेरा मेरे दादा का मित्र था और परिचित का पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु का पिता अर्जुन, उसके बारे में सुना तो है मैंने, लेकिन उसके में मन कैसे लगे वो भागवत कथा सुननी पड़ेगी। बोला शुकमुनि बोल तेरे वो भागवत सुनेगा तो मन बैठ जाएगा। मेरा मन उसमें बैठ गया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरे को कुछ। ये मैं उनके एज इफ कह रहा हूँ, जीरो इंटरेस्ट था भगवान भगवान में कृष्ण वगैरह के। वो तो सब हंस देता था मैं मेरे पिता पर, तुम्हारे पिता कौन थे? व्यास, शुकमुनि के पिता व्यास। उन्होंने भी नहीं लिखा था कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं, वो तो सब देखा था गीता होता, लेकिन वो लेकिन खिन्न बैठे थे। फिर वो कैसे लिखा, फिर क्या हो गया उनको? नारद मुनि ने बताया तेरे डिप्रेशन का कारण, डिप्रेस्ड हुए थे, डिप्रेशन ने उनको भी पकड़ा था। ये सच्ची बात है, अभी कोई 78% डिप्रेस्ड है कोई सरप्राइज नहीं है। व्यास मुनि डिप्रेस हो गए ना, तो उनके गुरु के पास सोल्यूशन मिला नारद मुनि। नारद मुनि बोले तेरे को क्या लगता है क्यों मैं नारायण 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 करते रहता हूँ? नारद मुनि के पास कम अकल थी, कम ज्ञान था, मुनि श्रेष्ठ कह दे कहला भगवान कहते। ये सब बाजू रख थोड़ा, व्यास को अपने शिष्य को बोला भगवान के विषय में सोच लिख, वो अवतार तेरे सामने होके गया है उसके विषय में। उन्होंने भागवत लिखी, सुख मुनि का ऐसा ही था, उसके पीछे पढ़ पढ़ के, जैसे हर पिता बेटे के पीछे पढ़ पढ़ के, हर पिता का अनुभव है बेटे को कुछ सीख दे। अब मेरे से तू ज्यादा अच्छा हो सकता है, मेरे पास जो उससे ज्यादा तेरे पास हो, बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यू कैन हैव इट। आई स्टार्टेड बैक देयर, यू आर स्टार्टिंग राइट हियर, यहाँ से तो और आगे जा सकता है। इसलिए पिता का हृदय दुखता है, दर्द देता है, प्रयास करता है। ऐसा व्यास का भी था, उधर भी था, उस समय भी था। बच्चे सुन बेटा, आई नो यू आर जन्म जात ज्ञानी है तू, लेकिन सुन आगे चल के तेरे को भी डिप्रेशन आ जाएगा। इस तरह सुन ले, नहीं 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 वो तो फालतू तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन नहीं उसमें कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान है, पूर्ण पूर्ण ज्ञान है, और सचमुच में था। नहीं चख के तो देख शाम को तू बच्चे, इसका स्वाद लेकर के तो देख कैसा कैसा कुछ करके पटाके उसके मित्रों को, जैसे हम लोग अपने वो अपना नहीं सुनता तो किसी दूसरे को कॉल लगाते हैं, अरे वो उसको ये बताना वो बताना, ऐसे चार चार ओर से करके फिर सुनता है। ऐसा ही व्यास मुनि ने लगाया था टेलीफोन, सचमुच में बात कर रहा है, अपनी नहीं बना बता रहा। अपने शिष्य गण जो उसके सम वयस्क थे उनको बस सुना सुना के बता बता के, बोले वो जब जाता है ना उसके साथ जाते तुम ये कहते रहना कथा कृष्ण की,
तो गुरु की आज्ञा करके करते रहते थे। ऐसा करते करते उसके मन में होने लगा, ये क्या यार, ये सच में बस से बाकी बात इंटरेस्टिंग है, ये जो कह रहे गा रहे, दिस इज इंटरेस्टिंग, इट्स इट साउंड्स अट्रैक्टिव, मे बी आई शुड चेक इट आउट। फिर आ गया पिता के पास, चल अच्छा थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा चखा देना। और थोड़ा सा चख ले कृष्ण को तो छोड़े फिरो, पूरा पकड़ में है। अब फिर उसको बस भारत भ्रमण, अब तो इसको कहते इतना बड़ा ज्ञानी, जो सारे ज्ञानी मिलके फीके पड़ जाए, इकट्ठा होके उसके आधे ज्ञान के भी नहीं हो, सुखमुनि जैसा कह रहा, ये न के न प्रकारेण मने कृष्णे निवेशयेत। वो तो फिर लेकिन कैसे हो, तो फिर भागवत सुनना पड़ेगा, किसी से भागवत सुन लेना, वो चल रहे पड़े नहीं, प्रभु यहाँ पे आए हो फिर कब तुम ही सुना देना। चल ठीक है, बैठ गए गंगा तट पर। वो उस प्रकार से भागवत कथा की पुनर्उत्थान हुआ। तो ऐसा कृष्ण कह रहा है, ब्रह्म तो मेरी योनि है, यूटेरस है मेरा, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये इसलिए कह रहा हूं इतने विस्तार से कि जरा इसका किसकी कीमत हो, ये जो सुनने में आ रहा है समझ, इसकी ग्रेविटी जो है, इसके महत्व जो है हमारे जीवन में, जो प्रसंग आया है, जो समय अलाइनमेंट हो गई है, जो मुहूर्त आया है, इससे बड़े मुहूर्त नहीं ढूंढे और कहीं पंचांग वंचांग पंडित जी से। जब गीता कान पे आती है सब मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त वगैरह सब ठीक है अच्छा है, लेकिन अभी जो मुहूर्त है, जो कृष्ण की ओर मन आकर्षित हो रहा है, गीता के वचन कान पे आ रहे हैं, हो सकता है ऐसा थोड़ा लग रहा है, ओपन माइंडेड जैसे शुक्र मुनि का हो गया, मे बी करके, एक कल्याण का प्रसंग है, शुभ मुहूर्त है ये। तो संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, इससे ही सब भूत संभूत होते, संभव मतलब होना, भाव मतलब होना, संभव देयर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज पॉसिबल अर्जुन, योर एग्जिस्टेंस माय एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व हमारा होना पना ही संभव, बिकॉज ही इज। ऐसी बात इसलिए मैंने कहा, कल मैं जोर दे के कह रहा था, कल के सत्र में 10वें अध्याय में जो 39वें श्लोक में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं चाहम अर्जुनम्, चर अचर हो मेरे से ही अस्तित्व मात्र है। तो ये छोड़ के किसको कैसे समय है, मन को समझा सकते हैं ना, कि तू उधर जा लेकिन पहले मेन बात की तो ध्यान दे यार। दिन में 8-10 बार तो कह सकते हैं मन को, सुबह दोपहर शाम सोने के पहले सोने से सोते समय उठने के बाद, ऐसा 8-10 बार, आठों पहर आठों याम है ना, चारों पहर आठों याम कह सकते हैं मन को, 8 बार तो कह दे मन को दिन में, हाँ रुकना रुकना, थोड़ा थोड़ा कृष्ण के विषय में, गीता के विषय में ध्यान कर लेते हैं। ध्यान बैठने की जो बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस उधर अटेंशन थोड़ा सा सोच लेते हैं उसके बारे में, ऐसे करते करते थोड़ा वो रिकवरी मोड में, कहते ना ये लेना वो वॉकर को पकड़ना, आठ आठ कदम चलो बस हॉलवे तक चलो, फिर से वापस आ जाओ। दूसरे दिन कहते थोड़ा उधर तक जा सकते हैं, उधर तक जाकर रहा था खिड़की से क्या दिख रहा है देखते निकलते आते, 8-10 दिन बाद बोलते थोड़ी सीढ़ी चढ़ के देखना है ऊपर नीचे, ऐसे करते करते बाहर 15-20 दिन बाद बाहर निकल जाता पेशेंट, अपने घर में चल रहा है सीटी बजाते, ऐसे रिकवरी हो सकती है धीरे 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 धीरे, जैसे फिजियोथेरेपी से ऐसे। तो ये थेरेपी है, अभी जो 13वें अध्याय से बाकी जो बचा है वो थेरेपी है, रिहैब है, तो अपने को प्रयास करना पड़ेगा, खाली अपॉइंट करके नहीं होगा, वी हैव टू ट्राई, वी हैव ना,
योनिषु कौन्तेय चौथा श्लोक मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिताः। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्पीशीज इज टॉकिंग अबाउट, महत मतलब सिंगुलर वन, वहां से फिर जो अनकाउंटलेस स्पीशीज हो गए, पानी में तैरने वाली, जमीन पे रेंगने वाली, हवा में उड़ने वाली, दोनों करने वाली, पानी में भी तैरती है, जमीन पे भी रेंगती है, अतः ये जमीन पे भी चलता है और हवा में भी उड़ता है, उसमें भी ज्यादा इधर कम उधर ऐसे, और फिर उनमें पानी में तैरने वालों में हजारों योनिया स्पीशीज है, हवा में उड़ने वालों में दसों हजारों प्रकार के है, जमीन पे चलने वालों में जमीन में रेंग धसने वाली स्पीशीज है, उनमें भी हजारों है, कीड़े मकोड़ों में भी है, इधर इनमें भी है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य में भी है, कोई काला है, पीला है, नीला है, कोई ऊंचा कदम मोटा है, जिस स्पीशीज की बात करो उसमें भी कितने कितने अलग अलग प्रकार के है। तो सर्व इसके बारे में बात भगवान कर रहे हैं, सर्व योनिषु ऑल ऑफ द स्पीशीज, जहां पर भी जीवन दिखाई देता हो, एनी साइन ऑफ लाइफ, वेर एवर वॉट एवर सीन, अभी मार्स में शायद कहते होगा मिलेगा, मोहिनी कहती है वो होगा तो भगवान ने पहले करके कि वो मेरे से आएगा। सर्व ये योनिषु कौन्तेय, कुंती पुत्र बच्चे, अर्जुन का नाम कौन्तेय बेटा, जैसे हम कहते ना, देख सब मेरे से ही आता, मैं ही बाप पिता हूँ, इसलिए यहाँ कौन्तेय उसकी माँ को लेकर के उसका नाम लिया। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्तियाः, एक खाली मूर्तियां है, कितने अचूक शब्द उपयोग किए, हम लोग खाली मूर्तियां है, गणपति लेने जाते हैं बाजार में गणेश जी के दिन, उधर मूर्ति थी, ये मूर्ति लो कि वो मूर्ति लो, उसकी आंख ऐसे है, इसकी सूंड इधर है, ये इनका मुकुट का रंग अच्छा है, वो सब बने मिट्टी से बने, उस पर कलर डाल दिया, और हम लेने वाला भी तो क्या उसको मूर्ति लेके लेके पैसे दे के ले रहा है, उसको तो उठा के लाना पड़ता है, उसको रखते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा जप करते हैं मंत्र कहकर, ओम गम गणपतये नमः, ओम गणानां त्वां गणपतिर्हवामहे कविं कविनामूपवंशवस्तरम्, ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्राह्मणस्पत आनयः शृण्वन्निभिः सीद साधनम्। इसके बाद फिर उसके नेत्रों को दुर्वाण से जल लगाकर, पहले नेत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब ये मुर्दे पड़े थे, सब सृष्टि बनी थी पहले बार, या थैंक यू, जब ये मेरा नहीं है, शास्त्रों का है, जब पड़े थे सब उठने खड़ने, तो मैंने प्रवक्षा मैंने देखना शुरू किया, जिधर जिधर मैं देखते गया उधर उधर सरसर 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 जीवन उद्भूत हुआ। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य देख रहा है पृथ्वी की ओर, बस इतना ही तो कर रहा है, और क्या कर, इधर आके पावड़े से डाल नहीं रहा प्रकाश, लो लो और शक्ति लो गर्मी लो, ऐसे फेंक नहीं जा रहा जो दिखाते हैं, वो थंडरबोल्ट नहीं फेंक रहा है का अंग्रेज क्रिश्चियन लोग दिखाते हैं भगवान फेंकता है, देख रहा है यार खाली, बस इधर मुड़ लिया तो इधर इधर प्रकाश हो गया, उधर मुड़ गया तो उधर प्रकाश हो गया, सर सर हम क्या कर, नेत्र जिधर देखते वो बस, तब तक वो डेड है, अभी इधर वाला नहीं पता नहीं क्या है, जो देख लिया तो एकदम पता समझ में आ गया, ऐसे तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते नेत्रों से दुर्वाण से उसको अभिमंत्रित है जल लगा करके। उसकी ये गीता में भी पहले आ गया, इसलिए अभी जितना जितना पीछे जाए उतना उतना समय लगे, इसलिए रोकता हूं मैं अपने मन को संयमित करके, क्योंकि नहीं तो पहले ये बात हो चुकी है, गीता में स्पष्ट शब्द है, इस 7वें अध्याय में है, 9वें अध्याय में है इस विषय में, तो ये मूर्त है, मुर्दा जिस जाता है शब्द, मुर्दा मतलब क्या पड़ा है,
मिट्टी है, उठता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, करता नहीं है, ये सब स्पीचेस।